वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको केक बनाना बताऊंगी, लेकिन ये लग रहा है ना चॉकलेट केक, लेकिन ये चॉकलेट केक नहीं है, ये हमारा सिंपल सा केक है। देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है, इसकी जाली आप देख सकते हैं और इसका जो स्पंज है ये देखिए कितना अच्छा हमारा केक बना है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये केक आज घर पे बनाया है। इसमें मैंने किसी भी तरह के ऑयल का या बटर या दही का यूज नहीं लिया है। बिना मिल्क मेड, बिना मिल्क पाउडर के ये केक मैंने आज बनाया है। तो आप जानना चाहेंगे कि केक मैंने कैसे बनाया, तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। एक बाउल में मैंने हाफ कप दूध की मलाई ली है, ये मलाई घर की है, तो हाफ कप मैंने यहाँ पर दूध की मलाई ली है। मलाई बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है, तो इसको अभी हमें फेंटना है। खूब अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है, इसमें बिल्कुल लम्स नहीं रहने चाहिए। इस तरह हम इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। मलाई अच्छी तरह से मैंने फेंट ली है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम पिसी हुई शक्कर ऐड करेंगे। 3/4 कप मैं इसमें पिसी हुई शक्कर ऐड करूंगी, आप स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। और दोनों को हम अच्छी तरह से एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं शक्कर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए अलग रख देते हैं। अब जो है केक की सबसे मेन चीज वो है मैदा, तो मैदा हम इसमें डालेंगे। तो 1 कप मैंने यहाँ पर मैदा लिया है और सभी को हम अच्छे से छान लेंगे। इस तरह हम अच्छे से छान लेते हैं। 1.5 कप मैंने यहाँ पर नॉर्मल दूध लिया है। 1 टीस्पून इसमें हम विनेगर ऐड करेंगे, तो इसमें विनेगर डाल देती हूँ। तो इसको हम एक बार अच्छे से हिला लेते हैं। दूध को हम साइड में रख देंगे। हमने जो मैदा छाना था उसी में हम ये बेकिंग पाउडर भी छान लेंगे। तो 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर लिया है। अब हमें ऐड करना है बेकिंग सोडा। 1/4 टीस्पून हम लेंगे बेकिंग सोडा। तीनों को हम एक बार अच्छे से छान लेते हैं। छानना बहुत जरूरी है, छानने से जो है केक बहुत ही अच्छा बनता है। अब जो हमने मलाई और शक्कर रखी थी पिसी हुई, दोनों को मिक्स करके जो बैटर बनाया था वो धीरे धीरे हम इसमें ऐड करेंगे और सभी को मिक्स कर लेंगे। सभी को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो हमने विनेगर का दूध बनाया ना वो इसमें हम ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं दूध जो है थोड़ा सा दही की फॉर्म में आ गया है, यानी कि विनेगर डालने से हल्का सा दूध फट जाता है, लेकिन इससे केक बहुत अच्छा बनेगा। तो धीरे धीरे हम इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें ऐड करना है और सभी को मिक्स करेंगे। बिल्कुल हमें स्मूथ इसका घोल रखना है, कहीं से भी लम्स नहीं रहने चाहिए। धीरे धीरे हम इसको एक ही डायरेक्शन में हिलाएंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह का हमें बैटर तैयार करना है। देख के बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, इस तरह। अब इसमें मैं ऐड करूंगी वेनिला एसेंस, आप चाहे तो चॉकलेट एसेंस भी यूज कर सकते हैं। तो 1/2 टीस्पून इसमें हम वेनिला एसेंस डालेंगे और एक बार फिर से हम मिक्स कर लेंगे। बैटर जब तक सेट होता है हम कढ़ाई को प्री हीट कर लेते हैं। कढ़ाई प्री हीट हो रही है, जब तक हम इसको मोल्ड में डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर इस तरह का मोल्ड लिया है, आप किसी भी बर्तन में या किसी भी सांचे में इसको बना सकते हैं। तो मैंने इसको घी से ग्रीस कर लिया है, चारों तरफ मैंने इसमें चिकनाई लगा दी है। तो बैटर को इसमें हम फील करेंगे। थोड़ा ऊपर से हमें खाली ही रखना है, फुल हमें नहीं भरना है। इस तरह पूरा बैटर हम इसमें डाल देंगे। और इसको हम इस तरह टेप करेंगे ताकि एयर बबल्स जो है रिमूव हो जाए। देखिए कढ़ाई को मैंने प्री हीट कर लिया है, इसमें मैंने नमक बिछाया है ताकि अच्छे से जो है हमारा केक जो है बेक हो जाए। और बीच में मैंने स्टैंड रखा है। कढ़ाई प्री हीट हो गई है, तो जो केक का बैटर हमने बनाया था वो मोल्ड हम इसमें रख देंगे और इसको अब हम ढक देते हैं ताकि अच्छी तरह से ये बेक हो जाए। सबसे पहले 5 मिनट तो हमें इसको फुल फ्लेम पे पकाना है। 5 मिनट हो गए हैं तो गैस को हम कम कर देंगे और 50 से 55 मिनट तक हमें इसको कम फ्लेम पे पकाना है। 40 मिनट बाद आप एक बार चेक करके देख सकते हैं, इससे पहले हमें केक को नहीं खोलना है।
जब केक गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा तो हमें गैस को बंद करनी है। चलिए अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं केक हमारा बनकर तैयार हो गया है। कितना अच्छा सिक्का है चारों तरफ से, इसकी जाली को भी आप देख सकते हैं। अभी इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। जब केक पूरा अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको निकालेंगे। कितना अच्छा केक हमारा बनकर तैयार हुआ आप देख सकते हैं। कितना स्पॉन्जी केक बना है। इसकी जो जाली है इससे आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि हमारा केक कितना अच्छा सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। कट करके भी हम देख लेते हैं एक बार। ये देखिए कितना अच्छा केक हमारा बनकर तैयार हुआ है आप देख सकते हैं। कितनी अच्छी इसमें जाली पड़ी है ये देखिए। वो कितना स्पॉन्जी केक है, इसको दबाने से ही पता पड़ रहा है। तो इस तरीके से यदि आप केक बनाएंगे ना तो आपका केक बहुत ही अच्छा टेस्ट और स्वादिष्ट बनेगा। ये हमने बिना मिल्क पाउडर और बिना मिल्क मेड के ये केक बनाया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।